आज हम आ चुके हैं फिर से निको पार्क, कोलकाता का सबसे फेमस पार्क है निको पार्क। और यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस में हमें काफ़ी बेहतरीन पार्क और काफ़ी बेहतरीन वाटर पार्क देखने को मिलता है। तो यहाँ का कितना कॉस्ट पड़ने वाला है, कितना टोटल जो है वो प्राइस हमको यहाँ पे पड़ने वाला है, ये चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में आपको बताएंगे कि आपको कितना खर्चा और किस राइड का कितना खर्चा पड़ने वाला है, ये चीज़ें हम आपको बताने वाले। कौन कौन सी राइड हमें देखने को मिलता है, कौन कौन सी राइड हमें ऑन मिलता है या फिर कोई राइड्स ऑफ भी है, ये चीज़ हम देखने को मिल सकता है। तो एंट्री फ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पे एंट्री फ़ी आपको 400 रुपये मिलेंगे पर हेड, और उसमें आपको 14 राइड्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसके नाम से है कैटरपिलर, ऑक्टोबस, मून रेकर, क्रेजी टी पार्टी राइड्स, फैमिली क्रॉस वर्ल्ड, मिरर मेज, पायरेट शिप, टॉय ट्रेन, वोटेक्स राइड फॉर चिल्ड्रेन और फ्लूम राइड्स, चिल्ड्रेन कॉर्नर। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ 400 रुपये वाली टिकट में, यानी एंट्री फ़ी में। अगर हम यहाँ की फुल टिकट लेते हैं, यानी फुल पैकेज अगर यहाँ के लेते हैं, तो हमें पड़ता है 1100 रुपये पर हेड, 1100 रुपये पर हेड पड़ने वाले। कुल 48 राइड्स है, यानी कि कुल 48 राइड्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे वाटर पार्क से लेके यहाँ पे मेन पार्क की सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलती। तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1100 रुपये वाली टिकट ही ले, ताकि आपको ज़रा से भी दिक्कत ना हो, कि आपकी मन में कोई बात ना रह जाए कि हम ये चीज़ें यहाँ पे आए और ये चीज़ें नहीं कर पाए। और अगर आप 400 रुपये वाली अगर टिकट में आप घुसते हैं जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए राइड्स की जो नेम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए बुल राइड के पड़ने वाले हैं 50 रुपीज़, केबल राइड्स के पड़ने वाले हैं 100 रुपीज़, पैडल बोट के पड़ने वाले हैं 50 रुपीज़, क्रैशर की पड़ने वाले हैं 50 रुपीज़, और फ्लाइंग सोसर के प्राइस पड़ने वाले हैं यहाँ पे 50 रुपीज़, गेम जोन की प्राइस पड़ने वाले यहाँ पे 50 रुपीज़, शूट द भूत इसकी प्राइस पड़ने वाली है 100 रुपीज़, और राइबर कैब्स की प्राइस आपको पड़ने वाली है 100 रुपीज़, रोलर कोस्टर की प्राइस यहाँ पे पड़ने वाली है 100 रुपीज़, स्ट्राइकिंग कार की प्राइस भी यहाँ पे 100 रुपीज़, स्काई डाइवर्स राइड जो है उसकी भी प्राइस 100 रुपीज़, और वर्चुअल रियलिटी शो जो होता है उसकी प्राइस भी यहाँ पे आपको पड़ेंगे 100 रुपीज़, और ट्विस्ट एंड टर्न इसकी प्राइस आपको 50 रुपीज़ पड़ने वाले हैं, वाटर मिनी साइक्लोन है उसकी प्राइस आपको यहाँ पे पड़ेंगे 100 रुपीज़, वाटर कोस्टर जो होता है उसकी प्राइस आपको पड़ेंगे 50 रुपीज़, लेजी राइवर की प्राइस आपको पड़ेंगे 50 रुपीज़, और सेंटा की प्राइस भी आपको पड़ेंगे 60 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर आप 400 रुपये वाली टिकट में जाते हैं, तो आपको ये सब सारे चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा लग जाएंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मेरे हिसाब से, 1300 से 1400 रुपये आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लिए 1100 रुपये वाली टिकट ले। और सबसे पहले तो हम वाटर पार्क से स्टार्ट करेंगे भाई, क्योंकि पहले नहाओ फिर जो है अपना काम जो है स्टार्ट करो अच्छे से, और ताकि आपको कोई भी ज़रा सा भी दिक्कतें ना हो। तो आप यहाँ पे अगर आते हैं मज़े के लिए या फिर यहाँ पे आते हैं तो घूमने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बेहतरीन होने वाला है आपके लिए ये पार्क, क्योंकि 1000 की प्राइस में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और काफ़ी बेहतरीन चीज़ें जो है वो देखने को मिलता है, काफ़ी थ्रिल वाले भी चीज़ें देखने को मिलता है। ये चीज़ें बच्चों के लिए काफ़ी कमाल का है, लेकिन यहाँ पे बच्चे कम और बड़े ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बच्चे तो कुछ कभी मज़े कर पाएंगे, और बड़े लोग जो है वो ज़्यादातर इसमें गुफा में टनल में जो है वो सारी चीज़ों को इंजॉय करते हैं। सो आप इधर पे आ सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, जो हमने कॉस्ट बताई है आप उस हिसाब से आ सकते हैं, वो आप उसको अंदाज़ा लगा के आ सकते हैं कि हमें कितना खर्चा लेकर निकलना चाहिए, जिससे जो कॉस्ट हमने बताई वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप टिकट करवाते हैं या फिर नहीं भी करवाते हो, यहाँ पे आपको कूल जोन मिलेगा, तो ये भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा
चार्जेस पड़ जाता है 650 रुपये, फिर 600 रुपये पड़ जाता है। लेकिन हमको ये सब चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि हमको कम पैसे में ज़्यादा जो है वो मज़े करना है, ज़्यादा इंजॉय करना है। यहाँ पे केबल राइड्स भी मिलेंगे, तो ये है एक फेमस चीज़ है द राइवर केव्स। अगर आपको इसकी पूरी वीडियोस देखना है, उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है। वो भी काफ़ी ड्रावना और काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। देखिए ये ड्रैगन बनाया गया है, इतना रियलिस्टिक लग रहा है, इतना बेहतरीन लग रहा है। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ स्टैचू है भाई, ये आपको मोबाइल से देख के आपको कुछ कम समझ में आएगा, लेकिन आप जब यहाँ पे सामने पे आते हैं तो आपको लगेगा कि भाई हाँ, 1000 रुपये कोई मायने नहीं रखता है। इतना बड़ा पार्क के लिए, इतना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क के लिए 1000 कोई भी मायने नहीं रखता है। इस साइक्लोन, तो साइक्लोन हम फिलहाल चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम अकेले हैं और आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो साइक्लोन जो है काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी बेहतरीन एक मज़े और एक आनंद देता है, और काफ़ी डरावना भी है। जिसको कम हार्ड वाला, जिसको जो डर, जिसके ऊपर डर ज़्यादा है, वो ना ही करे तो बेहतर है। यहाँ पे मून रेकर जो कि एक पृथ्वी की ओर से ले जाया जाएगा, उसके अंदर से घुसेड़ के यहाँ पे बाहर की तरफ निकाल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन चीज़ें ये लगने वाली है आपको अगर आप इधर पर आते हैं तो। ये चीज़ें भी सारी चीज़ें जो है वो फ्री में आपको मिलता है, वो जो आप पैकेज लेंगे निको पार्क के ऑल पैकेजेस, तो यहाँ पे इसमें भी मिलता है। तो ये है ब्रेक डांस, एक तरह का होता है, एक ये चेयर डांस ये इसको बोल सकते हैं, जो कि ये भी काफ़ी बेहतरीन है। चेयर जो है वो चारों तरफ जो है वो घूमने लगता है, ये भी काफ़ी बेहतरीन है, आप इसे भी आके ट्राई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हम थे जो पिछली बार हम आए थे तो काफ़ी लोग थे हमारे साथ। यहाँ पे स्ट्राइकर कार्स, यहाँ पे ये जो कार्स हैं आपको मिलेंगे, आप एक कार में एक आदमी बैठ सकते हैं और इसको टक्कर लगा सकते हैं। भाई इससे एक्सीडेंट्स नहीं होने वाले हैं। ये है सबसे ख़तरनाक डाइव्स, स्काई डाइव्स। ये थ्रिल काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी डरावना है। इसमें आप बैठ के एक ही बार में आपको काफ़ी ऊपर ले जाया जाएगा और फिर आपको ऊपर से छोड़ दिया जाएगा, यानी आप फुल सेफ्टी में होंगे। ये आईफिल टावर, और आईफिल टावर जो है काफ़ी बेहतरीन जो है वो लुक, मतलब यहाँ का जो आईफिल टावर जो है कि बेहतरीन फील आपको देने वाला है कि हाँ, हम एक जगह पर आए हैं। यहाँ पर आप पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो सारी चीज़ें हमको मिल रही है वो हमारी एक पैकेज जो आता है 1000 रुपये का या फिर 1100 रुपये का, उसी में ये सारी चीज़ें आएंगे। फिर आपको आगे कोई कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय एक के आपको बुल जो राइड होता है, बुल उसका आपको अलग से कॉस्ट लगेगा, क्योंकि वो इस पैकेजेस में नहीं आते हैं। यह है मिनी साइक्लोन, ये भी काफ़ी ख़तरनाक है, और ये दो राउंड आपको घुमाने वाले हैं। कोलकाता की किस जगह की वीडियोस चाहिए नेक्स्ट, वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।